नल जल योजना के काम में बरती जा रही लापरवाही की शिकायतों के बाद प्रदेश के पशुपालन मंत्री और बड़वानी कलेक्टर ने अलग अलग गांवों में जाकर काम का निरीक्षण किया। मौके पर पहुंचे मंत्री कलेक्टर ने जब जमीन खोद कर देखा तो वे भी सख्ते में आ गए। मापदंड के अनुसार काम नहीं होने से मंत्री और कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त की और संबंधित ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई करने की बात भी कही है। दरअसल बड़वानी जिले के विभिन्न गांवों में नल जल योजना का काम जारी है, जिसके तहत पाइपलाइन डाली जा रही है। तय मापदंड के अनुसार यह पाइप 90 सेंटीमीटर जमीन के अंदर गाड़ी जाना है, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही और जिम्मेदार अधिकारियों के अनदेखी के चलते पाइप को मापदंड अनुसार नहीं गाड़ा गया। पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल और कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ चिखलिया मलान बरुखोदरा गांव में इस काम का जब निरीक्षण किया तो वे भी सकते में आ गए। जमीन खोदकर देखा तो पाइप तय मापदंड अनुसार जमीन में दबे नहीं मिले। भारी अनियमितताओं को देखकर मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने नाराजगी व्यक्त की और संबंधित ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। जिस प्रकार से बड़वानी के जिले के अधिकारी के द्वारा और वहाँ के जो ठेकेदार है उनके द्वारा जिस प्रकार से हमारे देखने में आया है कि जिस प्रकार से घटिया काम हो रहा है, उस घटिया काम को हम होने नहीं देंगे। इसलिए हम लोग बड़वानी कलेक्टर SDM हम लोग पत्रकार वगैरह सभी जाके देखा तो वाकई में इस प्रकार से काम चल रहा है। तो मैंने माननीय कलेक्टर साहब को भी पूर्व में बताया था और हमने आँख से देखा है, ऐसे अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से जनता को पानी नहीं पिला पाते हैं कि काम में सुधार करें और जनता को ढंग से पानी मिल सके, ऐसा काम कराया जाए, ये हम लोग की सोच है। जो ठेकेदार ने जिस प्रकार से लापरवाही की है उसके ऊपर तो कार्रवाई होना चाहिए और अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री की जल नल योजना का जो प्रधानमंत्री जी गरीब लोगों को नल जल का पानी पिलाना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी नल जल योजना का पानी पिलाना चाहते हैं, परंतु ऐसे भ्रष्ट अधिकारी अगर ध्यान नहीं देंगे और अच्छा काम नहीं होगा तो हम पानी नहीं पिला पाएंगे। इसलिए हम लोगों ने आज जाकर देखा तो वाकई में ऐसा ही काम है, अगर सुधार लिया गया तो अच्छा है और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। वहीं बड़वानी कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने कहा कि ठेकेदार ने मापदंड के अनुसार काम नहीं किया, PHE के अधिकारियों को निर्देशित करने के बाद भी काम में सुधार नहीं हुआ है, अब दोषी अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये बड़वानी जिले में जल जीवन मिशन के तहत 100 से अधिक पंचायतों में नल जल योजना का काम चल रहा है। इसमें हर घर में नल से पानी उपलब्ध कराने की शासन की महत्वाकांक्षी स्कीम है। इसमें काफ़ी पहले तक समय से शिकायत मिल रही थी कि जो ठेकेदार पाइप डालने वाला काम करते हैं जमीन के 90 सेंटीमीटर के अंदर डालना चाहिए। पूर्व में भी कई शिकायत मेरे पास आई थी, माननीय मंत्री जी ने भी भ्रमण करके मुझे अवगत कराया था और आज फिर से मंत्री जी के साथ हम लोगों ने दो गांव का भ्रमण किया था तो वहां पर भी इसकी पुष्टि हुई है कि जो ठेकेदार है उसके द्वारा उसके जो नॉर्म्स के अंदर अंतर्गत पाइप को 90 सेंटीमीटर अंदर डालना चाहिए था, उसने सतह के ऊपर ही डाल रखा है। कहीं पर 10 सेंटीमीटर नीचे मिला, कहीं 20 सेंटीमीटर मिला, कहीं पर भी एकदम सतह के ऊपर मिला, कहीं खेतों में भी उसने जो डाला हुआ है उसमें खेतों में ऊपर डालने से जो किसानों के हल वगैरह से और उससे भी वो पाइप भी नष्ट हुआ है। अनेक बार PHE के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस जो इस तरह का जो घटिया काम हो रहा है इससे शासन की नल योजना का लाभ लोगों को भविष्य में नहीं मिलेगा, परंतु उसके बावजूद भी उसमें सुधार की संभावना मुझे कम दिखी है, सुधार नहीं किया गया है। ऐसे जो दोषी अधिकारी कर्मचारी हैं उन पर मेरे द्वारा कार्रवाई के लिए पहले ही लिखा था और मैं आज फिर से इसमें कार्रवाई का प्रस्ताव इसका उल्लेख करते हुए करूँगा और जो भी इसमें कठोर कार्रवाई होगी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल अब देखना लाजमी होगा कि नल जल योजना के काम में बढ़ती गई लापरवाही को कब तक ठीक किया जाता है और जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होती है। MP News के लिए तरुण जैमन की रिपोर्ट, बड़वानी।